हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ये देखो मम्मी, मम्मी हाँ। कहाँ खेतों में घूम रही हो? दूध लेने जा रही हूँ। बाप रे बाप, बहुत बहुत मम्मी ने बचपन में भी बहुत मेहनत की और अब भी मेहनत कर रही है। बचपन में दो नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाती थी अब बेचारी ज़्यादातर मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे होंगे उनके माँ बाप ने जरूर एक बार ये जरूर बोला होगा कि हम अपने बचपन में नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए और तुमसे कुछ नहीं हो रहा। और एक हमारी मम्मी है, दूध लेने जा रही है खेत पार करके। देखो अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल बेचारी मेरी मम्मी कर रही है। मम्मी क्या हम पहुंच गए? ये गेहूं है। चलो और नींबू लहसुन अमरूद अचार पापड़ी ये का है क्या? ओ हैं बेलुआ। अच्छा चीची कर दी। ये बेचारा कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा देखती चीची निकल गई इसकी। ले लिया मम्मी? चलो घर चल रहे। हाँ कल बारिश हो रही थी तब मैं और मम्मी आए कार से कि गाड़ी से जाके दूध लेंगे, बारिश में भीगेंगे नहीं। अब वो फंस गई उसमें मिट्टी में, तो बड़ी मुश्किल से निकाली ईंटे उटे लगा के फिर वापस आए, फिर फंस गई पूरी गाड़ी पेंट हो गई। घर पहुँच के दिखाऊंगा गाड़ी की क्या हालत हो रही है। ये वाला ये दीदी का कौन सा है? वो मम्मी के पास दीदी के घर का है और ये अपने घर का, दोनों का एक ही पड़ोस पड़ोस से आता है। वैसे तो ये दोनों जाती हैं पर दीदी अभी गई हुई हैं किसी शादी के प्रोग्राम में, तो मतलब प्रिपरेशन चल रही है शादी की। मेरी वो भांजी रखती हैं वैसे दूर की तो वहाँ गई हुई हैं, तो उनका हम ही लेने आए हैं। कर देखो ट्रायंगुलर ऐसे इधर से हैं? हाँ तीन कौन वो घर एकदम ट्रायंगुलर में बना हुआ था। बनाने वाले ने बड़े जगह का इतना बढ़िया यूज किया है उसका मैं सोचा बहुत बड़ा सा घर होगा जब इधर से जा रहे थे, तो जैसे जाके देखा था इधर से भी टेढ़ा उधर से भी टेढ़ा मैंने कहा वाह भाई वाह। बारिश से कीचड़ कितनी हो गई मम्मी? बाप रे बाप। आओ इधर से आओ, इन ईंटों पे से आती उन पे से आओ, उन पे से आ जाओ निडू। अब इधर से आओ, जहां जहां मैं चल रहा हूँ वहां चलो। तो उस जगह का बहुत बढ़िया यूज कर रखा है देख के मेरी हंसी रुकी नहीं, मैंने कहा इधर से भी दबा पड़ा इतना, उधर से भी दबा पड़ा, जरा सी जगह में उन्होंने घर बना दिया। ये हम एंटर कर गए हैं आवास विकास में। ये सेक्टर जो है आवास विकास का अलॉट हो चुका है और उधर उधर कहीं जो है अलॉटमेंट होगा, नई अलॉटमेंट होगी। आप भी लोगे वहाँ पे? नहीं। क्यों? बन चुका हमारा। हाँ वो घर भी अब इसमें थोड़ा सा काम रह गया है, वो तैयार हो जाएगा। तो ये सरसों के पेड़ हैं, ये सब कट जाएंगे अभी जब यहाँ पर घर बनने चालू होंगे। अभी लोगों का काट नहीं रहे जब तक तो बड़ी हो रही है,
फसल देखो कल बारिश में हो रही। मजे ले रही है मजे। गाड़ी फंस गई हमारी तो लेने गए। कल बारिश हो रही थी ना इसलिए लेके आए थे। पूरी पुती पड़ी है वो देखी मैंने। पूरी मिट्टी से पुती पड़ी है वो। बड़ी मुश्किल से निकली। आज चलो बेटा चलो। बस चल रहा है तो हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। तुम्हारी तरह घर में बड़े रहे हैं। चलो टाटा। आंटी जी मिली आज। घर तो नहीं आती है ये अभी तक। उस दिन आई थी तो वीडियो बनी थी। आना आंटी जी। चलो ये हुई थी कल गाड़ी की हालत। घर पहुंच गए हम। और वो आंटी जी जो थी वो पहले भी आई है। मैं आपको आई बटन में दे दूंगा जब वो आई थी तब का वो वाला ब्लॉग। और फैमिली मतलब परिवार का हिस्सा ही है वो एक तरीके से। अंकल जी जो हैं भारत सिंह अंकल, उनके साथ जब मैं नोएडा में बीटेक कर रहा था तब यहाँ से जाते थे तो इंजन में पापा इंजन में अपने साथ देके जाते थे ट्रेन में। तो अपने हाथ से वो चाय बनाते थे इंजन पे। वो छोटा सा वैस वाला हीटर नहीं होता जो पहले यूज़ होता था इलेक्ट्रिक वाला, उस पर चाय बनाते थे। और धीरे धीरे वो ट्रेन चलती थी तकरीबन 25-30-40 किलोमीटर तक ट्रेन चलती तब तक वो चाय धीरे धीरे पकती रहती थी। और वैसा स्वाद उनके हाथ जैसी चाय जैसा स्वाद मैंने आज तक कभी मतलब कहीं मिला ही नहीं। बड़े से बड़े उसमें पी के देख ली चाय, कहीं भी नहीं मिला। और उनकी आदत इतनी अच्छी है एकदम। वैसे वो पापा के दोस्त हैं तो मेरे अंकल हुए और मुझे भैया भैया बोलते हैं। पैर छूंगा उनके तो एकदम से हटाते, अरे नहीं नहीं भैया तो मेरा भैया है। बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी। और गाड़ी मैंने आपको दिखाई अभी। नमस्ते करो पहले। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड बॉय। ले टीरेक्स नमस्ते करो बेटा। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड बॉय। सिट सिट सिट। हेलो करो। हेलो हेलो करो। हाई फाइव। गुड बॉय। जंप जंप टीरेक्स जंप। गुड बॉय। डाउन। नमस्ते। गुड बॉय। नमस्ते करो। नमस्ते करो। गुड बॉय। टीरेक्स कैच।